हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप ऑनलाइन आधार कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं और न ही आप ऑनलाइन अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कैसे करेंगे। चाहे वो मोबाइल नंबर पहले से लिंक हो और वो खो गया हो, या चाहे आप नए मोबाइल नंबर को अपडेट कराना चाहते हो, दोनों ही सिचुएशन में सेम ही तरीके से आप अपडेट करवा सकते हो। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने का और कोई तरीका नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम एप्लीकेशन ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है uidai.gov.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर आपके सामने ये टैब ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में गेट आधार लिखा हुआ है। गेट आधार के नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है बुक एंड अपॉइंटमेंट, वहाँ क्लिक करना है। आप यहां पर फ्रेश आधार अपडेट कर सकते हैं, नेम अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं। आधार सेवा केंद्र दो तरह के होते हैं, एक वो जो UIDAI रन करता है और एक वो जो रजिस्ट्रार रन करता है। आप यहाँ पहले वाले में अपना लोकेशन देख लेंगे कि आपके आसपास के लोकेशन पहले वाले में है कि नहीं। अगर है तो आप वहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उसमें नहीं मिलता है आपको तो आप उसको सेकंड वाले ऑप्शन में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी मैं यहाँ पे अभी अपने सूरत के लिए सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सूरत के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। सूरत के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, तो ये सेकंड वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर आपको कैप्चा लिखना है, जो नीचे में लिखा हुआ है वो सेम यहाँ पर लिखना है। फिर जनरेट OTP करना है। आप देख सकते हैं आपके सामने ये न्यू पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है जो आपके आधार कार्ड में है, यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर सिटी, और यहाँ आपको अपना सेवा केंद्र सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपका सिटी सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपका आधार सेवा केंद्र सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर आपको 50 रुपीज पे भी करने पड़ेंगे। फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको डेट दिया गया है कि आप कौन से डेट को अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। आप ऊपर में जाएंगे, कैलेंडर में जाएंगे, आप यहाँ से आप अपना डेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 26 को नहीं जाना है तो आप 27 को जा सकते हैं या 28 को जा सकते हैं। और यहाँ पर आपका टाइमिंग दिया हुआ है तो आप टाइमिंग के हिसाब से भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 28 का डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। 28 का डेट सेलेक्ट करूँगा, जहाँ पर ये रेड कलर आपको दिखेगा तो समझ लीजिए वो टाइम में आप नहीं जा सकते हैं। जहाँ भी आपका ग्रीन दिख रहा है वो वाला टाइम आप सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ 12 बजे का। जैसे यहाँ पे मैं 12 बजे का टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप नीचे में जा कर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे टाइम भी दिख जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी डिटेल आ जाएंगे। आपको सारी डिटेल को ठीक से पढ़ लेना है, जान लेना है, क्योंकि एक बार आप सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबमिट करने के पहले एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब चीज। फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपको ये नोटिफिकेशन आता है कि एक बार आप वापस से चेक कर लीजिए। तो आप उसमें वापस से चेक कर लिए है तो उसको ओके पे क्लिक कीजिए। ओके में क्लिक करने के बाद आपको ये मैसेज आएगा कि आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, तो ओके कीजिए। फिर ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है,
तो नीचे में पे यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे में और ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मैं नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेक पेमेंट। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, आपका जो भी बैंक है वो बैंक आप सेलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेमेंट होने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। पहले वाले ऑप्शन में आप अपना पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर दूसरे ऑप्शन में आपका जनरेट एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, आपको उसे भी डाउनलोड करना है, उसे भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपके उस स्लिप में आपका वो डेट, आपका टाइम और आपका वो आधार सेंटर का एड्रेस लिखा हुआ रहेगा। आपको उस डेट और टाइम के हिसाब से आपको वहां पे जाने का है और आपको कुछ पेमेंट भी नहीं करना रहेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से पेमेंट कर लिया है और आपने अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। वहां जाकर आपको कुछ बायोमेट्रिक स्कैन करनी है, वो होने के बाद आपका आधार कार्ड 2 से 3 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने का और कोई तरीका नहीं है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।